हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे द लर्नर्स इंस्टीट्यूट चैनल पर। मैं अर्मली आज आपको सिखाऊंगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट सीखे थे। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस। जैसे कि आप जानते हो, पास्ट इंडेफिनेट टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज हुआ होता है, राइट? या हम किसी को अपने पास्ट के बारे में बताते हैं तो भी हमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस के रूल्स आने चाहिए, पास्ट इंडेफिनेट टेंस आना चाहिए। और अगर हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ बात पास्ट की बतानी पड़ती है, हम बताते हैं, जिससे हमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत गौर से वीडियो को देखें, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आपको कुछ जो बेसिक चीज होती है वो नहीं मिल पाती, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान, उसकी आईडी आ ई ए। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ ई ए आ जाता है या जिस सेंटेंस के लास्ट में आ ई ए की प्रोनंसिएशन निकलती है वह हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस कहलाता है। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ ई ए की प्रोनंसिएशन निकलती है वह हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस कहलाता है। तो चलिए रूल्स देखते हैं। सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच फैमिली, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको एक कंफ्यूजन हो रही होगी, जैसे कि इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड नहीं है, और यहां फर्स्ट फॉर्म है और डिड आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हमेशा ये याद रखना, सिंपल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सिंपल टेंस में, सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, डब्ल्यूएच फैमिली में डिड का प्रयोग हो जाता है, जिससे हमें यह पता लग जाता है कि ये हमारे पास्ट का टेंस है, ये हमारे पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। जिस डिड लगने से हमें यह पता लगता है कि ये हमारे पास्ट इंडेफिनेट टेंस का के हेल्पिंग वर्ब है, राइट? तो चलिए फ्रेंड्स, अब इनके एक एक सेंटेंस बना लेते हैं। सब सिंपल, मैंने खाना खाया, आई एट फूड। मैंने तुम्हें देखा, आई सॉ यू। मैंने काम किया, आई डिड वर्क, राइट? अब मैं बनाता हूं इसके नेगेटिव के सेंटेंस। मैंने तुम्हें नहीं देखा, आई डिड नॉट सी यू। तुमने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट द फूड। वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, राइट? अब इसके हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, राइट? क्या तुम स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल। क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट द फूड। क्या तुमने पानी पिया, डिड यू ड्रिंक द वाटर। ये हमारे इंटरोगेटिव के तीन सेंटेंस थे। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूएच फैमिली। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, WH फैमिली की मैंने वीडियो बनाई है और ये मैं आपको अगेन अगेन हर वीडियो में समझाता रहूंगा। इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और
आज मैं आपको इसको यहां भी क्लियर कराऊंगा, राइट। तो WH फैमिली, जो भी हमारे WH वर्ड की फैमिली के WH वर्ड फैमिली वर्ड्स होते हैं वह हमारे यहां यूज होते हैं, जैसे वेयर, हाउ, वाई, इस तरह के जो वर्ड होते हैं जिन्हें हम WH फैमिली कहते हैं वो हमारे यहां यूज होते हैं, उसका प्रयोग हम यहां यूज करते हैं, चाहे वो पास्ट हो, इंडेफिनेट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, राइट। आईडी क्या होती है, बस हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, सेंटेंस ऐसे ही बनते हैं। तो फ्रेंड्स इसके मैं दो सेंटेंस बनाता हूं, तुमने मुझे क्यों नहीं देखा, व्हाई डिड यू नॉट सी मी, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, व्हाई डिड यू नॉट ईट द फूड, रचना स्कूल क्यों नहीं गई, व्हाई डिड रचना नॉट गो टू स्कूल, राइट। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रूल्स हैं, जिसके मैंने आपको सेंटेंस बनाकर भी दिखा दिए हैं। आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा वो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, राइट। गौर से देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान आ, ई, ए, जो काम हो गया, राइट। मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया, वो रोई, उसने कपड़े धोए, जो हो गया, राइट, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल टेंस में वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लगती है, राइट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमारे तीन सेंटेंस हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH फैमिली, इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और इसमें डिड का प्रयोग हो जाता है। सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और फीडबैक जरूर दें कमेंट में। थैंक यू।